तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे पास आई है पल्सर बाइक डेढ़ सौ। इसमें समस्या है चिमटे में चाल है, जैसे गियर डालते हैं गाड़ी चक्का मारती है, जैसे गियर डालते हैं गाड़ी में चक्का मारती है। इसमें पीछे वाला ड्रम रबड़ बेरिंग दोनों और चैन सेट ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें चाल कितनी है चिमटे में। अभी चाल है उसको अभी खोलेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें चिमटे में कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर ये टेंशन नहीं डलाएंगे तो ये चेन सेट और ड्रम रबड़ ये अब बेरिंग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो गियर डालते ही गाड़ी पीछे से हिलेगी, ऐसे जैसे आवाज़ आएगी खड़खड़ खड़ आवाज़ आएगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसमें। ये पूरा चिमटा कुछ ख़त्म है इसका, अभी मैं आपको खोल के बताऊँगा। इसका चिमटा खोलते हैं, ये देखो ये इतनी चाल है चिमटे में। जैसे गाड़ी गियर लगाते हैं एकदम झटका मार देते, जैसे पीछे से होते खड़ 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 आवाज़ आती है, ये है देखो इतनी चाल है। इसको खोल के इसमें चिमटा पूछ फिटिंग करेंगे, जैसे ही पहला गियर डालेंगे तो गाड़ी पीछे से हिलेगी, जैसे आवाज़ आएगी खड़ खड़, और ड्रम रबड़ इसके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इस झटके के कारण, और इसका बेरिंग भी ख़त्म हो जाता है और चैन से जल्दी खत्म। अब इसको खोल के आपको दिखाते हैं चिमटा पूछ कैसे फिटिंग होती है। हेलो दोस्तों, ये है चिमटा पूछ, देखो ऐसे निकलता है, इसको खोल के ऐसे पूछ निकाला जाता है। ये चिमटा पूछ निकल गया है दोस्तों, चिंता उस इसी के कारण गाड़ी भी पीछे से झटका लेती थी पल्सर बाइक। अब इसमें आप चिंता बुस नया लगाएंगे, ये है पल्सर बाइक के चिंता बुस। ये देखो नया चिंता बुस फिट कर रहे हैं। चलो दोस्तों ये नया चिंता बुस फिट कर रहे हैं, देखो गाड़ी पीछे से झटका रहती है और चैन सेट इसका अगर ये कुछ नहीं डलवाते हैं तो ये चैन सेट जल्दी खत्म हो जाता है और इसका ड्रम रबड़ भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और हाँ बेरिंग भी ख़त्म हो जाता है। गाड़ी जैसे चलाते हैं पीछे से झटका लेती है, जैसे गियर में आप डालोगे पीछे से आवाज़ आएगी धड़ 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 धड़, जैसे गाड़ी बबलिंग कर रही है। सारा सिस्टम पीछे वाला व्हील पे सारा सिस्टम पीछे वाला इसे चिमटे पे ही टिका होता है, जैसे ये एकदम टाइट रहना चाहिए और इसे एकदम पूछ एकदम बढ़िया से ख़त्म नहीं होना चाहिए। चिमटे में बूस फिटिंग हो चुके हैं, अगर ये चिमटा बूस अगर कोई भी बाइक में अगर कट जाते हैं तो गाड़ी पीछे से गियर लगाती झटका लगेगी झट कट, जैसे पैरों में पता चल जाएगा गाड़ी हिल रही है पीछे से। तो ये चिमटा बूस मेन पूरा व्हील स्पीड टिका होता है, अगर ये कटा हुआ है तो आप इसको इसकी पहचान से कर सकते हो, जैसे आप गियर में डालोगे तो गाड़ी पीछे से सारी हिलने लग जाएगी, जैसे खड़खड़ ऐसे हिलने लग जाएगी, आवाज़ करेगी। और इस गियर अगर आप नहीं कुछ नहीं डलवाते हो तो इसका चैन सेट अब बेरिंग ड्रम रबड़ सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये मेन चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, चिमटा पूछ का मेन बहुत ज़रूरी है कि चिमटा पूछ ख़त्म है कि नहीं, तो आप इसको देख सकते हो गाड़ी के पीछे से हिलाओगे ना तो पूरा टायर ऐसे हिलने लग जाएगा पूरा टायर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना।